ठीक है तो दोस्तों आ जाइए, आपको एक शानदार जगह दिखाता हूँ झुंझुनू की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए झुंझुनू का नज़ारा, आपको दिख रहा होगा। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि आप इधर दिखाएं। दोस्तों ये देख रहे हैं, इधर एक पहाड़ दिखाई देगा, इसको मतलब मोटा पहाड़ बोलते हैं। देखो कितनी पास से दिखाओ कैमरा मैन, पास से दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, इधर घूम के आएंगे तो आपको नीचे की साइड ये मुक्ति धाम दिखेगा, और मुक्ति धाम के बीचों बीच हम इनसे गुजारिश रहेगी कि चुप करके दिखाएं। अच्छा दोस्तों, एक बार दूर तक नज़र लेके जाइए अपनी, और हरियाली का नज़ारा देखिए। मतलब झुंझुनू में ये बोलते हैं कि हरियाली नहीं है, आप देखिए हरियाली का नज़ारा देखिए। और दोस्तों इधर देखोगे आप, मतलब मंदिर मंदिर ही मंदिर है, आपको रानी सती मंदिर भी यहाँ से दिखाई देगा बिल्कुल। कैमरा मैन दिखाएं रानी सती मंदिर, अब इधर आ जाए। ये देखिए शानदार नज़ारा दोस्तों, शानदार नज़ारा, बिल्कुल शानदार नज़ारा। अब आपको कमाल की चीज दिखाते हैं, अंदर आ जाइए। ये देखिए दोस्तों, शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है। वैसे तो हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन अपन जैसे इसके अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले शिव जी की प्रतिमा अपने को दिखाई देती है। आज मंदिर आने में थोड़ा लेट हो गए, मतलब मंदिर सुबह सुबह खुलता है। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये पीपल, यहाँ पे पीपल पूजा होती है। और दोस्तों पीछे की साइड आ जाइए आप, ये देखिए दोस्तों शानदार व्यू, शानदार व्यू। ये देखिए यहाँ से अपना पूरा झुंझुनू दिखाई देता है, आपको पसंद आएगा। आप पीछे की साइड आ जाइए तो आपको एक और शानदार चीज दिखाता हूँ। तो निर्माणकर्ताओं ने एक और शानदार काम किया दोस्तों, जैसे बारिश का जो पानी होता है उसके लिए कुआं बनाया गया, वो दिखाता हूँ आपको किस प्रकार का कुआं, मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। आज ये देखिए दोस्तों, ये है वो कुआं, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री बनाई है इसके, जो बारिश का पानी है वो यहाँ से एंटर होता है, चारों तरफ इसके खाने हैं। और ऊपर की साइड आपको घिरनी दिखेगी पानी खींचने के लिए, लेकिन अब ये बंद हो चुका है, अभी ये बंद हो चुका है दोस्तों। पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है जो मोटर के द्वारा खींचा जाता है। देखो यहाँ से आपको लाइन दिखेगी, पाइपलाइन दिखेगी, यहाँ से जो पानी है वो खींचा जाता है, यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको ये पानी दिया जाता है। अब दोस्तों आपने शिव जी की प्रतिमा देख ली, हनुमान मंदिर देख लिया, कुआं देख लिया जो इस साइड स्थित है। अब आपको एक और शानदार जगह दिखाता हूँ, मतलब एक माता का मंदिर है, मनसा माता का मंदिर है, जो पूरे राजस्थान में फेमस है। यहाँ का मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है झुंझुनू में। चलो आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। देखिए दोस्तों आपकी नज़र जा रही है ऊपर, ऊपर एक पताका लहरा रही है येलो कलर की, वो उसके आगे है मनसा माता का मंदिर। आपको बता रहा था कि मनसा माता का मंदिर, चलो आइए देखते हैं। ये दोस्तों मनसा माता का मंदिर, जो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है, रानी सती मंदिर के बाद में सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों नवरात्रा में पूजन होता है।
बावड़ी बावड़ी नहीं बोले बावड़ी बादलगढ़ बड़ी मैं बादलगढ़ डिस्क्राइब कर दी उसका।